गोपाल भगवान कृष्ण ने रास रचाया। बोले श्री रास रचया भगवान की, जोर से बोलो, बोले श्री रास रचया की, बोले श्री बांके बिहारी की। भगवान जब बंसी लटकती से खड़े होकर के बंसी बजाई, कोई गोपी का रोसई बना रही थी, वो आधा रोसई छोड़ के आ गए। कोई गोपी एक आंख में काजल लगाई थी और दूसरे आंखों में काजल लगाने वाली थी, इतने में बंसुरी बजी जो वहीं पर छोड़ दी। कोई गोपी अपना बच्चे को दूध पिला रही थी, वहीं पर छोड़ दी। कोई अपना पति की सेवा कर रही थी, वहीं पर छोड़ दी। सब के सब छोड़ करके भगवान की चरण में पहुंचे। जब पहुंचे भगवान बोले स्वागत महाभागा, भगवान कृष्ण ने गोपियों को स्वागत छोड़ करके भगवान को मानना। इसलिए जो व्यक्ति कथा सुनने के लिए आते हैं ना, ठाकुर उनको भी स्वागत करते हैं। क्यों? सबको घर में कुछ ना कुछ काम है कि नहीं? लेकिन आप लोग में सब कुछ छोड़ करके जब कोई कथा सुनने आते हैं ना, ठाकुर भी उनको स्वागत करते हैं। इसलिए आप लोग ये ताली बजाओ, क्योंकि तुम लोग सारे काम भागवत कथा में तुम लोग यहाँ पर आए हो, बड़े भाग्यवान है। भगवान को बड़ी स्वागत की, ठाकुर जी उनको स्वागत करते हुए बोले देखो बहुत अच्छी बात है तुम लोग आए हो, बैठ की शोभा को देखो। देखो तो पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी का घर में क्या है, भले ही पति निकम्मा हो, भले ही लंगड़े लुड़े हो, भले ही पति कुछ नहीं हो, पत्नी के लिए पति परमात्मा, पति परमात्मा, पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवा छोड़ने से जगत में बड़ा भ्रांति होती है। इसलिए तुम लोग आए हो, ये घोर अंधकार है, जाओ आ गया वृंदावन के दर्शन लेकर घर में वापस चल जाओ। बोले देखो गोपियों तुमके भी स्टोरी सुनाता हूँ, आप लोग भी सुनो ध्यान दे रहे। बोले एक समय क्या हुआ, दो पति पत्नी रहते थे और थोड़ी देर पहले पत्नी ने कभी चूल्हे में रसोई बनती थी, यहाँ पर अभी भी करते हुए रसोई बनाती हो, पहले चूल्हे में रसोई बनती थी, थोड़ी देर पहले पत्नी ने चूल्हे में रसोई बनाई, उसमें आग धधक रही है। घर में छोटा है कि बच्चा था जो तुम लोग झुकने पर चलना जानता है, और पति ने पत्नी की जंघे को सर रखकर के सो रही थी, सो रहा था। इतने में बेटा का नींद खुल गई, जब नींद खुल गई इतने में बच्चा धीरे 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 जाकर के चूल्हे को पास में चला गया। इतने में उसकी पत्नी तो डगमगा गई, मतलब बच्चा तो अभी चूल्हे में पास नहीं, लेकिन मैं पति का धर्म सेवा नहीं छोड़ूंगी। और देखते देखते बच्चा जा रहे चूल्हे में, थोड़ी देर बाद लाला था, बोले लाला तो चूल्हे में पड़ा, तुमने बचा नहीं, बोले तुम तो मेरे गोद में सो रहा था, तुम तो मेरे जगह ऊपर सर तक सो रहा था, तुमको जगा देते तो मेरे पाप लगता। वे जाकर के देखते हैं और देखो पतिव्रता धर्म की कितने महत्व है। इसलिए गोपियां जब घर में चले जाओ, भैया अपना पति को छोड़ देंगे और किसको पास में हमें नहीं जानी चाहिए, हमें पति सेवा करनी चाहिए। इतने में गोपियों ने बोले हम भी एक कथा सुनाए, तो सुना क्या बोलो। अरे दो पति पति रहते थे, बड़े आनंद पूर्वक बनाती नहीं, बोले जो कुछ मैं करती हूँ तेरे लिए मैं करती हूँ, घर में झाड़ू लगा क्यों करती हूँ, तेरे लिए ही करती हूँ, अगर तू चले जाओ तो घर में क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगी। ए बच्चों, ए श्यामानंदर, ये बच्चों को देखना। इसलिए बोले जो कुछ करती हूँ मैं तेरे लिए मैं करती रहती हूँ, अगर तू बाहर चले जाओ तो फिर मेरे क्या होगी। बोले देखो तो जाना ही पड़ेगा, बोले काम कर लो, ये मेरे फाटों को ये फाटों में ले जा, इसको जब तक नहीं आता इसको तो पूजा करते रहना, अभी फाटों को ही पूजा करती है, उसको ही खिलाती सुलाती भोग लगाती है। इतने में वो दरवाजा बंद करके पति को पूजा कर रही थी फाटों को, इतने में असली पति आ गया दरवाजा करने का, बोले दरवाजा खोलो। इतने में गोपियों ने कृष्ण से बोले बताओ तो अभी उसको क्या करनी चाहिए। बोले जो भैया पति आ गए तेरे पटों को पूजा करो। बोले देखो तुम तो गीता में बोले ना
Thank you.